ये पेपर्स, याद आया कुछ जिसकी वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा था? ये मैंने नहीं बनाया, ये आपके प्यारे पतिदेव ने बनाया और उस पे नाम मेरा लगवा दिया। पूरे इंक्वायरी कराई है मैंने। क्या? पर दिलदारजी ऐसा क्यों करेंगे? कॉमन सेंस मामी जी, वो चाहते थे कि हम दोनों में दरार पैदा हो और आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दें, जो आप करने भी वाली थी। नहीं, दिलदारजी ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इट्स ओके मम्मी जी, हो गई आपसे गलती, फंस गई आप अपने पति के जाल में, पर मैं नहीं फंसी। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रियंका बाजवा किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। क्या हो गया, मूड खराब हो गया? अच्छा चलिए, मैं आपका मूड ठीक कर देती हूँ। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। इशिका के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए हम अमृता को इस घर से बाहर फेंक सकते हैं। बस इस बार हमें प्लान थोड़ा बदलना होगा। इस बार हमें विराट और अमृता के बॉन्ड पे नहीं, अमृता को तोड़ने पे फोकस करना होगा। क्या हुआ, नहीं समझी? लेट मी एक्सप्लेन। अब जानती है ना कि आपका बेटा क्या चाहता है? आपका बेटा ये चाहता है कि उसकी प्यारी अमृता को कोई तकलीफ ना हो। वो उसकी ढाल बनना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर अमृता के दर्द की वजह विराट ही बन जाए? वो बेचारा तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा और खुद के ही गिल्ट में इतना डूब जाएगा कि वो खुद ही अमृता से दूर हो जाएगा। और बेचारे अमृता कितनी भी कोशिश करे, विराट उसे अपने करीब नहीं आने देगा। इन शॉर्ट, विराट और अमृता के बीच कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। बेटा जी, ये लो फ्रेश जूस। आप सुबह से मेहनत कर रही हो, अब जूस पियो, अच्छा लगेगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, झगड़ा तो बहुत मजेदार हो रहा है, लेकिन बबीता जी ने अभी प्रियंका को घर से बाहर नहीं निकाला। हाँ, वो उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा ना सर, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि अगर प्रियंका को उन पेपर्स के बारे में पता चल गया तो वो जवाब क्या देगी, क्योंकि वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहेगी वो जरूर। पर हमें अपने मकसद पे टिके रहना। ये बबीता मैम और प्रियंका के बीच जो दरार पैदा हुई है ना, उसे हमें दीवार में बदलना होगा, तब जाके सर सर कुछ ठीक हो पाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटा जी, मैं क्या कह रहा था, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, मतलब आप बेकसूर भी साबित हो जाओगी और बबीता जी की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी, तब भी आप अपनी शर्त पर कायम रहोगे क्या, जिसके लिए आपने इतनी जिद की थी, शादी खारिज करने की? यही शर्त थी ना आपकी कि विराट आपकी शादी खारिज हो जाए? कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मैं कर लूंगी। अरे व्हाट यू मीन मैं कर लूंगी, मैंने कुक को बुलाया ना। आपको जितने कुक्स बुलाने ना, सबको बुला लीजिए,
लेकिन मुझे किसी से मदद नहीं लेनी। मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, खुशी मिलती है मुझे अंदर से। और मेरी खुशी का क्या? मुझे भी अंदर से खुशी थोड़ी महसूस करने दो, पर वो तब मिलती है जब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। और मुझे क्या लगता है ना बैंकर, कि आए और यू को सारे काम साथ में करने चाहिए। तो चाहे वो जो भी काम, इवन ये किचन के काम। अब अगर आए और यू सारे काम साथ में करेंगे, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आए और यू के बीच में नहीं लगता आए और यू के बीच में बहुत सारे झगड़े, बहुत गलत फहमी है। सीरियसली तुम्हें लगता है आए और यू के बीच में सिर्फ झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कुछ भी नहीं? क्या है ना, मेरी नजरों में आय और यू के बीच में गहरा रिश्ता है। जो यू को एक परफेक्ट भाभी बनाता है। ऐसी भाभी जो मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा रिश्ता है जो यू को एक ऐसी बेटी बनाता है जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे। इनफैक्ट यू ने ना इन दोनों को ऑलमोस्ट मुझसे छीन ही लिया। तो बैंकर मैम, तो बैंकर आए ना, आई और यू के बीच में बहुत ही झगड़े हुए, गलत फहमियां हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, अभी भी है। बट आई फील मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग भी है। तभी आए और यू बार बार ऐसे साथ आ जाते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सोचा है क्यों?